आज का पंचांग। आज दिन है रविवार का, दिनांक 27 दिसंबर 2020, शुक्ल पक्ष, हिंदू मास मार्ग शीर्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र रोहिणी रहेगा। आज का योग है साध्य और करण कौलव रहेगा। आज के खास दिन पर सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्र वृष राशि में रहेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा शाम 4:17 से शाम 5:33 तक। आज का दिशा शूल पश्चिम की तरफ रहेगा, तो फिलहाल पश्चिम दिशा की ओर यात्रा टाल दें। आज विशेष क्या है? आज विशेष है प्रदोष व्रत, हनुमान जयंती। आज का महा उपाय है, आज चींटियों को खोपरे और शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाएं, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राशिफल की। राशिफल में सबसे पहली राशि है मेष यानी एरीज। मेष राशि वालों कोई भी व्यवसायिक निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है। परिवार में सुख रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। वृष राशि वालों आज कोई रुका हुआ पैसा हासिल हो सकता है। दोपहर के बाद कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलने से घर में उदासी भरा माहौल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का वातावरण पॉजिटिव बना रहने से कार्य क्षमता में भी निखार आएगा। अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह लेना भाग्योदय कारक रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज परिवार संबंधी किसी समस्या को सुलझाने में आपका विशेष प्रयास रहेगा और सफल भी होंगे। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में योगदान अवश्य दें। अपने गुस्से और कटुवाणी पर नियंत्रण रखें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कर्क राशि वालों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप किसी हद तक भी मेहनत कर सकते हैं। फालतू की लड़ाई झगड़े में ना पड़े तो ही अच्छा होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कुछ कमजोर ही है, अपनी नियमित जांच कराएं। सिंह राशि वालों, आज अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। अभी कार्य क्षेत्र में गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। जीवन साथी का आपको भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में स्थायित्व लाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कन्या राशि वालों, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेगा। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कोई योजना बन रही है तो उसे तुरंत कार्य रूप दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न करवाने की योजनाएं भी बनेंगी। अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। तुला राशि वालों, कामकाज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक साबित होगी। कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा भी बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी अनुशासित और सकारात्मक बना रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य की विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आज किसी परेशानी का हल मिलेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ चल रहे विवाद के सुलझने से संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। एलर्जी या रक्त संबंधी किसी समस्या के आसार हैं। धनु राशि वालों, आपके सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि होगी। व्यवसाय में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो आज उस पर गंभीरता से अमल करें। मकर राशि वालों, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आज बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सफलता भी अवश्य ही हासिल होगी। अचानक ही किसी नजदीकी मित्र या संबंधी से मुलाकात तनाव भरे माहौल से सुकून प्रदान करेगी। पेट से संबंधित समस्या रहेगी। कुंभ राशि वालों, सामाजिक गतिविधियों में भी आपका सहयोग रहेगा। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि उनकी भावनाओं और आज्ञा को नजरअंदाज ना करें। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस रहने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच चल रही किसी गलतफहमी का भी निवारण होगा। मीन राशि वालों, आज आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिलने से सुकून रहेगा। पारिवारिक वातावरण में कहीं न कहीं कुछ अशांति सी महसूस होगी। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें, वैवाहिक संबंध उत्तम रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी नए राशि फल के साथ। अपना दिन भर का हाल जानने के लिए देखते रहिए कुंडली टीवी। धन्यवाद।